अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक जैसे? ठीक है, सब खैरियत से हैं। तो आज मैं जामपुर में मौजूद हूँ। जामपुर एक छोटी तहसील है ज़िला राजनपुर की। तो यहाँ पे एक खूबसूरत जगह है लाल हवेली। वैसे लाल हवेली का नाम तो सुना होगा, आपके जहन में फ़ौरन ख्याल आया होगा कि लाल हवेली जो पिंडी में है शेख रशीद की, लेकिन वो नहीं है। ये हमारे जनूबी पंजाब में तहसील है जामपुर, उसमें एक खूबसूरत लाल हवेली है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अंदर से उसका विज़िट भी करवाऊंगा। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, तो मेरे साथ रहिएगा, साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। Oh, oh, oh.
जी जैसा कि आपने विजिट आपको विजिट करवाया है, तकरीबन जो जो रूम थे उनका भी विजिट कराया है, तो यहाँ जो अंकल जी हैं ये इसकी देखभाल करते हैं, सारे इंतज़ाम यहीं संभालते हैं, जो मेहमान हैं उनको भी ये रिसीव करते हैं, उनको टाइम देते हैं, पूरा इस हवेली के बारे में बताते हैं। तो आइए पूछते हैं अंकल जी से कि इसके बारे में हमें अंकल जी बताएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लाल हवेली जामपुर में मौजूद हैं। ये लाल हवेली जनूबी पंजाब का एक ख़ास वरसा है, जो मलिक इरशाद अहमद जखड़ साहब और मलिक हसनैन रज़ा जखड़ साहब की ये काविश है। उन्होंने इसको मेंटेनेंस करके लोगों के लिए वक्फ कर रखा है, ताकि यहाँ जो लोग आते हैं लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग VIPs आते हैं, यहाँ फिल्में बनाई जाती हैं, यहाँ की जो ख़ास चीज़ें हैं, यहाँ का जो फर्नीचर है इसमें खिड़कियाँ हैं, दरवाज़े हैं, यहाँ की रैफलें हैं और तलवारें, और बहुत सारे मुल्कों से इकट्ठी कर कर के लाल हवेली में जमा की गई हैं। लोग इसको ज़ोक व शौक से देखने आते हैं, जो सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना इनको लोग आकर अपना टाइम पास करते हैं लोग, और इससे लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं।